को एक बहुत ही छोटी पर बहुत बड़ा ज्ञान देने वाली कहानी सुनाने वाली हूँ। कार्य तो हम सभी करते हैं, परंतु कार्य करने से पूर्व ही हमें फल की चिंता होने लगती है, और उस फल की चिंता को करते हुए हम निरंतर उस काम को करने से पीछे हट जाते हैं। तो आइए आज इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी पेश करती हूँ। एक बार एक पंडित जो हर सुबह नदी किनारे शिव जी की पूजा करने जाया करता था, वो हर रोज बेल पत्र इत्यादि से शिव जी को स्नान कराया करता था, उन पर दूध चढ़ाया करता था, जल चढ़ाया करता था। परंतु हर सुबह उसका शिवलिंग टूटा हुआ मिलता था। वो हर सुबह आता, एक नया शिवलिंग बनाता और हर सुबह वो शिवलिंग टूटा हुआ मिलता था। एक बार उस व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना मैं आज यहीं रहकर देखूं कि मेरा ये शिवलिंग आखिर कौन तोड़ देता है, और शिवलिंग साक्षात भोलेनाथ जी का है, तो भोलेनाथ जी का ये शिवलिंग आखिर कौन तोड़ देता है? ऐसी दुष्टता कौन कर रहा है? क्या वो व्यक्ति है या नहीं? तो वह व्यक्ति यह सोचकर वहीं रुक जाता है। तो रात में छिपकर वो दृश्य देखता है कि एक राक्षस जो हर रोज आकर उसका शिवलिंग तोड़ देता है, उसकी की हुई पूजा पाठ पर पानी फिर देता है। अगली सुबह वह व्यक्ति फिर पूजा करने नदी किनारे आया, फिर से एक नया शिवलिंग बनाया, फिर से दूध दही जल चढ़ाया और फिर से बेलपत्र चढ़ाए। वह जानता था कि वह राक्षस फिर आएगा और उसके बनाए हुए शिवलिंग को तोड़ डालेगा, परंतु फिर भी वह पूजा करने आया। परंतु एक बार बहुत भारी वर्षा के कारण उस व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना आज मैं पूजा करने ना जाऊं, आज मैं घर में ही रह जाता हूं। और यह सोचते हुए वह व्यक्ति घर में ही रह जाता है, पूजा करने नहीं जाता है, मेहनत और निरंतरता से करते हैं। परंतु राक्षस निरंतर जो काम करता था उस काम को सोचते हुए शिवलिंग को तोड़ने के लिए चल पड़ता है। वह ये भी नहीं देखता कि भारी बारिश हो रही है, वो बारिश में भी आ जाता है और शिवलिंग को तोड़ने की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि वहां पर कोई शिवलिंग नहीं मिलता, क्योंकि पंडित पूजा करने आया ही नहीं। इस बात से भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर राक्षस को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारी इस निरंतर भक्ति को देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, मांगो। क्या मांगते हो? वो राक्षस बोला कि हे प्रभु, पूजा तो आपकी वो पंडित किया करता था, मैं तो निरंतर आपके शिवलिंग को तोड़ डालता था, तो दर्शन मुझे क्यों प्रभु? दर्शन तो उस पंडित को प्राप्त होने चाहिए जो आपकी पूजा किया करता था, जो आप पर दूध दही शहद चढ़ाया करता था, जो आप पर बेल पत्र चढ़ाया करता था। मैं तो निरंतर आपका शिवलिंग तोड़ने आया करता था प्रभु। प्रभु बोले, वत्स, चाहे वो पूजा करता था और चाहे तुम मेरा शिवलिंग तोड़ते थे, परंतु इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। वो बारिश को देखते हुए मेरी पूजा करने नहीं आया, परंतु तुम्हारा जो कार्य था शिवलिंग को तोड़ने का, चाहे बरसात ही क्यों ना थी, तुम अपना कार्य करने आए। मैं हर उस व्यक्ति से प्रसन्न होता हूँ जो अपने कार्य को बहुत लगन, मेहनत और निरंतरता से करते हैं। मैं तुम्हारी इस निरंतरता को देखते हुए बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो। क्या वर मांगते हो? राक्षस को समझ नहीं आता कि मैं क्या वर मांगू। राक्षस बोला कि हे प्रभु, मैं तो एक राक्षस हूं, मैं कुछ अच्छे काम नहीं कर सकता, मुझे वर दीजिए कि मैं आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा कर सकूं, कुछ अच्छे कर्म कर सकूं, मुझे अपना दास बना लीजिए प्रभु। और शिव जी उसकी इस बात से खुश होकर उसे अपना दास बनाने का आशीर्वाद देते हैं।
और उसे राक्षस योनि से मुक्त कराकर अपने साथ कैलाश धाम ले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कार्य बिल्कुल मेहनत, लगन और निरंतरता से करना चाहिए। हमें फल की चिंता करते हुए अपने कार्य को बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह की अगर आप और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो आस्था ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।